पंजाब में लगातार घमासान जारी है। इस बीच पंजाब में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ यानी कि पटियाला में ही उनके करीबी मेयर संजीव शर्मा बिट्टू अविश्वास प्रस्ताव में हार गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संजीव शर्मा बिट्टू को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया था। यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिट्टू के समर्थन में वोट भी डाला था। पटियाला नगर निगम में 40 पार्षदों ने संजीव शर्मा बिट्टू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की थी। मेयर संजीव शर्मा ने इसे स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन संजीव शर्मा को इसमें हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान संजीव शर्मा को 60 में से सिर्फ 25 वोट ही मिले। अब पटियाला मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद पंजाब में भी सियासी घमासान तेज हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं संजीव शर्मा। अमरिंदर सिंह ने अपने करीबी संजीव शर्मा को पद से हटाने को अवैध भी करार दिया है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पटियाला नगर निगम में जमकर हंगामा भी देखने को मिला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सभी को पता है कि पटियाला नगर निगम में मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसमें विपक्ष को 2/3 बहुमत चाहिए था। मेयर के पक्ष में 25 और विपक्ष में 36 वोट पड़े हैं और ऐसे में उनका अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी पटियाला नगर निगम में उनके खास मेयर संजीव शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आया और महज 25 वोट उन्हें मिले हैं, इसे कैप्टन अमरिंदर सिंह की शुरुआती हार के तौर पर देख रहे हैं। पंजाब में लगातार घमासान जारी है। इस बीच पंजाब में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ यानी कि पटियाला में ही उनके करीबी मेयर संजीव शर्मा बिट्टू अविश्वास प्रस्ताव में हार गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संजीव शर्मा बिट्टू को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया था। यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिट्टू के समर्थन में वोट भी डाला था। पटियाला नगर निगम में 40 पार्षदों ने संजीव शर्मा बिट्टू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की थी। मेयर संजीव शर्मा ने इसे स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन संजीव शर्मा को इसमें हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान संजीव शर्मा को 60 में से सिर्फ 25 वोट ही मिले। अब पटियाला मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद पंजाब में भी सियासी घमासान तेज हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं संजीव शर्मा। अमरिंदर सिंह ने अपने करीबी संजीव शर्मा को पद से हटाने को अवैध भी करार दिया है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पटियाला नगर निगम में जमकर हंगामा भी देखने को मिला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सभी को पता है कि पटियाला नगर निगम में मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसमें विपक्ष को 2/3 बहुमत चाहिए था। मेयर के पक्ष में 25 और विपक्ष में 36 वोट पड़े हैं और ऐसे में उनका अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी पटियाला नगर निगम में उनके खास मेयर संजीव शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आया और महज 25 वोट उन्हें मिले हैं, इसे कैप्टन अमरिंदर सिंह की शुरुआती हार के तौर पर देख रहे हैं।